तो भाई फोटो शूट का काम सारा कंप्लीट हो चुका है और ब्लॉग भी हम लोग शूट कर चुके हैं। काफ़ी मज़ा आया, इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ पे वीडियो फोटो शूट करने के लिए। तो अंदर चलेगा न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं तोपचाची टहलेंगे और तोपचाची झील भी देखेंगे किस प्रकार से तोपचाची झील है। बाकी यहाँ पर हम लोग मोड़ के पास है जो कि पार्क तरफ से होते हुए जाता है और ये रूट हमारा बरवड्डा आता है ये रूट। बाकी फुल रेडी है तो चलिए आगे चलते और आगे का लोकेशन दिखाता हूँ। और तोपचाची झील अगर जाएंगे तो वहाँ का भी लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो भाई निकल पड़े हम लोग अपने मंजिल की तरफ, मतलब तोपचाची की तरफ। तरफ जा सकते हो, राइट लोगे तो आप गोविंदपुर, लेफ्ट लोगे तो राजगंज या फिर कोलकाता वगैरह का सारा रास्ता इधर ही से निकलता है। ये हाईवे से मेन हाईवे आ गया। आगे भी रास्ता के बारे में आप लोगों को बताऊंगा ये रास्ता कहां से कहां जाता है। अगर आप धनबाद के रहने वाले हो तो बहुत सारा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। मैं मार्किंग किया हुआ है, आप लोग दिखा देता हूँ। हाँ देख सकते हैं, दिल्ली जाना है तो दिल्ली, वाराणसी, आगरा, सारा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्रेंड्स हम लोग हाईवे के पास आए हैं यहाँ पे और तेल लेने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। साथ यहीं पे तेल ले रहा है। तो अब साथ आ चुका है फ्रेंड, तो अब चलते हैं आगे डायरेक्टली तोपचाची। हालत ख़राब हो गया है जिस हिसाब से यहाँ पर स्पीड चल रहा है इसका बाइक। तो भाई सेकंड टाइम तो मैं नहीं आऊँगा, अगर आऊँगा तो हेलमेट लेकर के आऊँगा हाईवे पर। बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है ये, क्या बताऊँ मैं आप लोग। फिर आँख से आंसू निकल चुका है और निकलने वाले आ रखिए। बाइक साइड पे पहाड़ है, पीछे के तरफ पे पहाड़ है। वो देख सकते हैं मेरा आँख का बुरा हाल हो चुका है और इससे कुछ नहीं हुआ है। बहुत तेज लड़का है, बहुत तेज, सही बता रहे आपको। हेलमेट नहीं है ना भाई, आँख खराब हो सकता है। अब लगता है मुझे आपको दिखाना होगा अच्छा डॉक्टर को, क्योंकि मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पहले से थोड़ा ठीक है। यह है पहाड़। जिस दोस्त से हम लोग यहाँ पे मिलने के लिए आए थे वो देश नहीं दोस्त, वो मुलाकात उससे हो चुका है। तो अभी एक बंदा को लाने के लिए गया है, वो बंदा आएगा तो हम लोग को यहाँ का लोकेशन दिखाएगा। हम लोग यहाँ पे नए हैं तो आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तोपचाची के पास मेनली, जहाँ पे एक पार्क है वहाँ पे जाएंगे। तोपचाची शायद झील है, तो देखेंगे क्या होता है अंदर, किस टाइप का लोकेशन, किस तरह का नज़ारा रहता है। आगे तो आप लोगों को वीडियो में मिलेगा ही। बाकी मैं भी पहली बार यहाँ पे आया हूँ तो ऐसे नॉर्मली मैंने बहुत जगह पे घुमा हूँ धनबाद में, जहाँ पर भी रहता है झील, वाटर पार्क वगैरह, लेकिन यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम में आ रहा हूँ और देखता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर नज़ारा होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे का लोकेशन दिखाएँगे। तो फाइनली हम लोग तोपचाची झील जा रहे हैं, आ चुका है कुछ दूर पे ही है। और इसका यहाँ पे एक टाइमिंग भी है कि 5 बजे तक ये ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाता है। तो यहाँ पे साथ का दोस्त भी आ चुका है, यहाँ पे दो दोस्त। और आगे यहाँ पे है रुकावट कह सकते हैं इसे हम, जहाँ पे फाटक लगा हुआ है। तो फाटक को क्रॉस करने के बाद ही हम लोग आगे जाना पड़ेगा। अच्छा खासा व्यू है यहाँ पे, ये सीन खतरनाक लग रहा है देखने में। यहाँ से फोटो भी बहुत अच्छा तरीके का आ सकता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी लेंगे जाने टाइम, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पेड़ का डिजाइन ठीक हो सकते हैं भाई, पेड़ तो कुदरती निकला हुआ है लेकिन बहुत बढ़िया है। संडे को अच्छा खासे भीड़ भी है यहाँ पे, तो इनके आगे क्या होता है। यहाँ से तो पहाड़ दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है पहाड़। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर संडे की वजह से लगता है। और ये रहा पहाड़, झील भी है और कुछ और भी है। ये रहा झील, चल इधर चल। तो भाई ये रहा तोपचाची का झील और ये पहाड़। अच्छा लोकेशन है, फ़ोटो वगैरह आप पिकनिक वगैरह नॉर्मल से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा जगह है और मेरे को भी अच्छा लग रहा है।
सॉलिड है, स्पेस भी बढ़िया है। तो चाची जी ने हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, जो कि यहाँ पे बहुत ही सॉलिड लोकेशन मुझे लग रहा है। यहाँ पे सभी दोस्त यहाँ पहुंच चुके हैं और काफ़ी सॉलिड लोकेशन है। बैक कैमरा से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सॉलिड लोकेशन लग रहा है ये तो चाची हिल का, काफ़ी सॉलिड। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा चीज़ नहीं है, बस ये नॉर्मल सा जो झील है बस यही है। और इस तरफ में आएंगे तो इस तरफ में हमें देखने को मिल पाएगा एक ऊंचा पहाड़। देख सकते हैं ये पहाड़ जो पूरा हरा भरा हुआ पहाड़ है। कैमरा क्वालिटी बढ़िया नहीं है तो थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। और ये है हाइट, जिस हाइट पर हम लोग अभी है। तो फ्रेंड तो चाची जी में बस यही कुछ है जो कि अच्छा लगा यहाँ पर घूम करके, यहाँ पर आ करके। अभी घूमना तो बाकी है, बाकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे और देखेंगे नज़ारा किस हिसाब का। यहाँ पे काफ़ी सही है, झील वगैरह भी बढ़िया है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं नॉर्मल सा पिकनिक वगैरह बनाने के लिए, या फिर कोई घूमने के यहाँ पर आते तो उसके लिए भी सॉलिड लगता है ये। भाई अब फ़ोटो शूट ही हम लोग अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रुक चुके हैं हम लोग और फ़ोटो क्लिक करा रहा है भाई, और यहाँ से एक फ़ोटो ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सारा फ़ोटो ले लेना, सब जगह का लोकेशन है, कहीं पर भी लोकेशन को छोड़ना नहीं हम लोगों को। और अच्छा अच्छा फ़ोटो भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है सॉलिड बैकग्राउंड है पानी का, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो वन बाई वन करके हम लोग सारा सबको फ़ोटो ले रहे हैं। आगे भी जाएंगे, आगे के लोकेशन में देखेंगे आगे क्या है, वहाँ पर भी जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाना है। तो भाई लीजिए अब सेकंड क्लिप, वही वीडियो वाला बना होगा, सॉलिड लग रहा है फोटो। तो भाई फोटो शूट का काम सारा कंप्लीट हो चुका है और ब्लॉग भी हम लोग शूट कर चुके हैं। काफी मजा आया, इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ पे वीडियो फोटो शूट करने के लिए। तो सॉलिड फोटो आ रहा है फ्रेंड्स, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर फोटो लेकर के भाई। मतलब पैसा वसूल हो गया और समय भी वसूल हो गया, जिस तरह से यहाँ पर फोटो आ रहा है काफ़ी बढ़िया। और अभी ये फोटोग्राफी यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट, तो भाई पूरा आनंद लिए हम लोग, पूरा मज़ा आया है अभी। तो आगे भी मज़ा लेंगे, किस तरह का वो दिखाऊँगा वीडियो में भैया। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग तो चाची झील का पूरा मज़ा ले चुके हैं, सारे जगह पे घूम लिए हैं और काफ़ी बढ़िया नज़ारा, काफ़ी बढ़िया लोकेशन लगा फोटो क्लिक करवाने के लिए भाई, एक नंबर जगह ये। और काफ़ी बढ़िया हम लोगों को लगा घूम करके, काफ़ी मज़ा आया भाई ने सब जगह घुमाया और काफ़ी सॉलिड लोकेशन लगा। धन्यवाद का एरिया में बहुत सॉलिड लगा और काफ़ी मज़ेदार लगा। नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और फोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे यहाँ पे, काफ़ी मस्त लोकेशन है भाई। हाईवे पे फोटोग्राफी हम लोगों का चल रहा है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ा हम लोग, सारा जगह का फोटोग्राफी लिए, मतलब फ़ोटो शूट किए और काफ़ी मज़ा आया है। लोकेशन और लुक सारा चीज़ सॉलिड, बहुत सॉलिड लग रहा है, मतलब बहुत मज़ा आ गया है। खाने पंजाब में आए खाना खाने के लिए, अंदर चलेगा। तो फाइनली फोटोशूट तो कंप्लीट हो गया था, हम लोग खाना खाने के लिए आए हुए खाने पंजाब में। तो भाई खाना खा के हम लोग अरब यहाँ से निकले, तो सारा चीज़ तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, खाना पीना भी अब निकलते हैं।